जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार की रात 9 लोगों को लेकर जा रही एक नाव झेलम नदी में पलट गई। बता दें, घटना के बाद 7 लोगों का बचाव भी लिया गया है, वही हालांकि 2 लोग लापता हैं। बता दें, पंपोर के तहसीलदार ऑफिस अली ने बताया कि 9 लोग नदी के दूसरी ओर कुछ काम कर रहे थे। काम खत्म कर वापस लौटने के दौरान हादसा हुआ, जहां 2 लोग लापता हैं। दोनों यूपी के निवासी हैं। वही एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं।